घर में रखी ये 6 पुरानी चीजें लाती हैं बदकिस्मती, तुरंत हटाएं। 1. पुराने अखबार। ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। 2. पुराने खराब पड़े ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। 3. पुराने फटे कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। 4. बंद घड़ियां। घड़ी की सुइयां जीवन में आगे ले जाती हैं। वही बंद पड़ी घड़ियां जिंदगी में रुकावट और बाधा के बारे में बताती हैं। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता है। 5. खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हों तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 6. देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और चित्र। देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।